नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। योग गुरु स्वामी रामदेव राम नवमी के दिन 100 लोगों को संन्यास की दीक्षा देंगे। इसके लिए यहां पतंजलि योगपीठ में नव संवत्सर चैत्र नवरात्रि के पर्व पर भव्य संन्यास दीक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 40 महिलाएं और 60 पुरुष राम नवमी पर स्वामी रामदेव से संन्यास की दीक्षा लेंगे। इसके साथ ही लगभग 500 प्रबुद्ध महिलाओं और पुरुषों को स्वामी रामदेव के करीबी आचार्य बाल कृष्ण ब्रह्मचारी की दीक्षा देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने कहा कि राम नवमी के दिन 4 वेदों के महापारायण यज्ञ की पूर्णहुति के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा, हिंदू राष्ट्र का गौरव और सनातन धर्म को योग धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए ये नव सन्यासी हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की सन्यास परंपरा में दीक्षित होंगे। उन्होंने कहा, ये वैराग्यवान विद्वान और विदुषी भाई बहन अष्टाध्यायी व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद में निष्णात होकर योग धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए संकल्पित हो गए। इससे भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण के अभियान को ऊर्जा मिलेगी। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि योगपीठ में स्त्री, पुरुष, जाति, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय की सन्निकृतताओं का कोई भेद नहीं है और यहां से संन्यास दीक्षा में दीक्षित होकर सभी भाई बहन सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। अपने संबोधन में राम मंदिर पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि इससे राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर के साथ साथ ये देश का राष्ट्र मंदिर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का लोकार्पण अगले साल जनवरी में हो जाएगा और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी समाप्त हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी दो बड़े काम होने बाकी है। पहला, समान नागरिक संहिता लागू करना और दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये दोनों काम भी अगले साल 2024 तक हो जाने चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भव्य संन्यास दीक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा कि पतंजलि योगपीठ से 100 लोगों के संन्यास की दीक्षा लेने और संन्यास लेने की इच्छा जाहिर करने वाले 15,000 युवाओं में से 500 प्रबुद्ध जनों के आचार्य बाल कृष्णा से ब्रह्मचार्य की दीक्षा लेने का अवसर बहुत रोमांचित करने वाला है। उन्होंने कहा, ये चमत्कार तो स्वामी रामदेव ही कर सकते हैं। दस दिवसीय इस कार्यक्रम में देश के शीर्ष संतों के अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शामिल होने की संभावना है। कुछ साल पहले भी रामदेव 100 युवक युवतियों को संन्यास की दीक्षा दे चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।